मुने आप सो जाओ बेटा, सो जाओ आप, हम दोबारा जाने, कितने बजे जाने? छोटी थी बस मैसेज चैट कर एक आधा। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे जाना मुने? दो बजे जाना। इस छोटी छोटी छोटा बड़ा था बता दो। लास्ट टाइम आप लोग क्लासेस कर रहे थे, क्लास में भी लास्ट वाला शायद मुकम्मल हो गया था, ये भी क्लास, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया था ना चैप्टर? इसमें ये था कि कैसे प्राइवेट लेते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ये चीज हो गई थी। उसके बाद आपको इस एसटीआर के मेथड को एक्सप्लेन किया था या नहीं? किसी क्लास एसटीआर के मेथड को एक्सप्लेन किया था? जी सर किया था। किया था जी सर। यानी वो जो प्रिंट से कमांड लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास हो गया था। हाँ, इसके बाद असेसर और म्यूटेटर मेथड था, ये बताया था। क्लास के अंदर जितने आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उतने ही आपके जो है गेटर और उतने ही सेटर होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताई थी, ठीक है। यहाँ पे पाइथन में या इस बुक के अंदर जो हमारे पास सेटर है उसको म्यूटेटर कहते हैं, इसको कहते हैं म्यूटेटर, और सेटर को, सेटर को म्यूटेटर कहते हैं, और असेसर कहते हैं गेटर को, ठीक है। अब इसको यूज करने का जो है कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब आपके पास ये सेल फोन की एक क्लास है, क्लास तो खैर इधर सेल फोन की एक्सप्लेन सेमेस्टर है, तो सेल फोन के लिए उसने यहाँ पे मेक लिस्ट है, तो सेल फोन की क्लास के लिए ये है सेल फोन की क्लास। इस क्लास के अंदर उसने क्या किया, एक आपके पास मैन्युफैक्चरर है, मॉडल और प्राइस, तीन इसके जो है, ये मैन्युफैक्चरर, मॉडल और रिटेल प्राइस, ये तीन इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और इनसे पहले अंडरस्कोर का मतलब है इनको प्राइवेट बनाना, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता। फिर इसके जो सेटर है, सेटर कौन सा है, एक सेट मॉडल है, एक सेट रिटेल प्राइस है, ठीक है। इसी तरीके से गेटर है, गेट मैन्युफैक्चरर है, गेट मॉडल है,
और गेट रिटेल प्राइस, सेटर और गेटर वन। ठीक हो गया, इनका वैसे ही है जैसे रिटर्न गेटर में क्या किया, रिटर्न सेल्फ डॉट रिटेल प्राइस। सेटर में क्या है कि एक आर्गुमेंट लेगा सेल्फ के साथ, सेल्फ तो लाजमी है ना, ये जैसे देखो सेल्फ लाजमी है हर एक के साथ, साथ में मॉडल मॉडल को सेट कर दिया ये अंडरस्कोर मॉडल के साथ। अब इसमें फर्क है कि ये अंडरस्कोर मॉडल है और ये मॉडल है, सेल्फ साथ लगे होने की वजह से इससे पता चलता है कि ये क्लास वेरिएबल है सेम नेम में, जैसे वहाँ पे दिस यूज करते थे ना क्लास वेरिएबल के साथ, यहाँ पे सेल्फ की मदद से पता चलता है कि ये क्लास वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास, ये आपके पास आगे असेसर और म्यूटेटर मेथड, यानी गेटर और सेटर मेथड। बाकी इसके अंदर वो इस क्लास के अंदर वो इंपोर्ट करवा के यूज कर रहा है, मेन बनाया, ठीक है। और उसके अंदर जो है जैसे प्रोग्राम चलाते हैं तो इसमें क्या है, मेक लिस्ट, लिस्ट बना ली जिसके अंदर क्या है वो, जैसे यहाँ पे 5 फोन नंबर का रिकॉर्ड आपने सेव कर, तो पहले का दिया रिकॉर्ड, दूसरे का दिया, तीसरे का दिया, चौथे का दिया, तो उनको क्या किया लिस्ट के अंदर सेव करवा लिया और जब डिस्प्ले करवा ली कि 5 का डिस्प्ले, फिर बाद में डिस्प्ले करवा दिया फलां का ये फलां का ये, ये सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गूमेंट पास करना, ऑब्जेक्ट को जैसे शो कॉइन स्टेटस है, कॉइन ऑब्जेक्ट को पास कर, वैसे ही है जैसे ऑब्जेक्ट आप पास करते थे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पास कर दिया, उसको यूज कर लिया, ठीक है। फ्लिप टॉस का ऑब्जेक्ट पास किया और कॉइन ऑब्जेक्ट डॉट करके टॉस को जो है कॉल कर लिया, तो ये इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे वो कॉइन की क्लास आपकी थी, कॉइन का ऑब्जेक्ट बनाया, फ्लिप के अंदर जो है कॉइन का ऑब्जेक्ट पास किया और वो उसको कॉल कर लेता है टॉस को इंटरनल, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट पास करना हो गया। तो इसके बाद जो है स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन ए डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट को किस में सेव करना, डिक्शनरी में। अच्छा, डिक्शनरी में सेव करने के लिए क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये क्लास है कॉन्टेक्ट जिसके अंदर नेम, फोन और ईमेल है, कॉन्टेक्ट की एक क्लास बनाई जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, फोन नंबर और ईमेल, ठीक है। इसके सेटर आ गए, ये तीन सेटर बन गए, फिर तीन इसके गेटर बन जाएंगे, ठीक है, ये तीन गेटर बन गए, गेट नेम, गेट फोन और गेट ईमेल। यहाँ पे str को ओवरलोड कर लिया, इसका तो आपको बताया ही है, उससे कि ये डिस्प्ले हो जाएगा प्रॉपर फॉर्मेट में कि नेम दिस फोन दिस। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए जैसे पहले आपने देखा था लुकअप का, लुकअप एड चेंज डिलीट और फुट का मेन्यू बना लिया, ठीक है जी। उसके लिए वही चीज़ें लुकअप वन पे ये, टू पे ये, थ्री पे ये, फोर पे ये, यहाँ पे वो मेन्यू बना दिया इफ के साथ, वाइल पुट जब तक नहीं करे ये चलता रहेगा, चॉइस में अगर वन आएगा तो लुकअप करेगा, टू आएगा तो ये आएगा, थ्री आएगा तो यहाँ पे गेट मेन्यू चॉइस जो है वो जैसे पहले किया था चॉइस ले लिया, आगे इसकी डेफिनेशन भी दी है। यहाँ पे आपके पास लोड कॉन्टेक्ट फाइल, फाइल को ओपन किया रीड मोड में और पिकल डॉट लोड, पिकल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसको लोड किया तो ये कॉन्टेक्ट डिक्शनरी के अंदर, कॉन्टेक्ट डिक्शनरी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। और उसके बाद ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिक्शनरी है, यहाँ पे अगर अगर फर्ज किया कि ये लोड नहीं कर पाता, एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो एक्सेप्शन के अंदर हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली ताकि अगर वो फाइल से लोड नहीं होता तो डिक्शनरी तो बनना ताकि बाकी प्रोग्राम तो चले, ठीक है। अब यहाँ पे वो चॉइसेस आ गई, लुकअप कॉन्टेक्ट ऐड फलाया, वो मेन्यू पहले था ना गेट मेन्यू का कॉल किया था, उसके अंदर वो चॉइसेस ली, यूजर से चॉइस ले के इनको मैं कन्वर्ट किया और ये रिटर्न कर दी चॉइस। दूसरा हमारे पास था कॉन्टेक्ट मैनेजर लुकअप फंक्शन,
लुकअप फंक्शन में क्या है, एंटर नेम, और उसको जो है यहाँ पे जो माई कॉन्टेक्ट डॉट गेट है और नेम दिया, तो अब इससे वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा। अगर नेम नहीं मालूम तो वो क्या करेगा, वो नॉट फाउंड का कह देगा। माई कॉन्टेक्ट डॉट गेट जो है वो सर्च करता है, ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ी थी कि वो डिक्शनरी के अंदर सर्च करे। अब यहाँ पे एड का फंक्शन है, यूजर से तीनों वैल्यूज ले ली, नेम, फॉर्म, ईमेल, और देन उसको क्या किया, कॉन्टेक्ट का जो नेम, फोन और ईमेल जो है ये डॉट कॉन्टेक्ट का, इससे क्या वो ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्ट का। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना कॉन्टेक्ट का, वो जो आपके पास इनिशियलाइजर है उसकी मदद से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट ये बन गया एंट्री के नाम से ऑब्जेक्ट बन गया। अब उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सेव करना है। पहले चेक करेंगे कि ये जो एंट्री बनाई है वो उस नेम का, यानी जो नेम दिया है, नेम चेक करेंगे ऑलरेडी तो नहीं गई इसमें कॉन्टेक्ट्स में, माई कॉन्टेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी तो नहीं है। अगर तो ऑलरेडी है तो फिर वो क्या कर देगा, नेम ऑलरेडी अगेंस्ट, और अगर नहीं है तो माई को नेम के अगेंस्ट ये एंट्री डाल देगा। नेम क्यों दिया है, नेम को हमने क्या की बनाया, दो चीजें थी ना, की और वैल्यू, की और वैल्यू, तो उस नेम के अगेंस्ट हमने एंट्री दी, एंट्री के अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास नेम के अगेंस्ट, अच्छा इसी तरीके से ये चेंज का फंक्शन है, वो क्या करेगा, यूजर से नेम लेगा जिसको चेंज करना है, फिर वो उसको चेक करेगा, नया फोन लेगा जिसको नए वैल्यू जो दी है, नई ईमेल लेगा, और फिर कॉन्टेक्ट में नेम, फोन नंबर, ईमेल का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक एंट्री बन गई, और फिर क्या करेगा उस एंट्री को। यहाँ पे एक चीज और, नेम को चेक कर रहा है, इफ नेम इन माई कॉन्टेक्ट, अगर नेम मौजूद है तब ये सारा काम करेगा, एंट्री बनाना और ये सारी चीजें अपडेट करना, तो माई कॉन्टेक्ट नेम करके वो एंट्री प्लेस कर देगा। अदरवाइज क्या है, नेम नॉट फाउंड, अगर डायरेक्टरी में, ये डायरेक्टरी के फंक्शन है ना नेम इन वगैरह का। फिर इसी तरीके से अब इसका फायदा क्या हुआ, इस सारे काम का ये फायदा हुआ, पहले जैसे फाइल हैंडलिंग आप करते थे तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक फाइल से रीड करते थे, दूसरे में राइट करवाते थे, फिर ये सारे काम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप शुरू में ही फाइल का सारा डाटा डिक्शनरी में लोड कर लेते हैं और फिर डिक्शनरी में मैनिपुलेशन करते रहते हैं, और एट द एंड जब एग्जिट करने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, हम उसको राइट बैक कर देंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं दोबारा भी दिखाता हूँ, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सेव कॉन्टेक्ट का फंक्शन है। सेव का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हुआ कि सेव के अंदर राइटिंग के लिए फाइल ओपन की, और वो जो पिकल को यूज करते हुए और उसको राइट कर दिया। अब किसको राइट किया, माई कॉन्टेक्ट को, माई कॉन्टेक्ट क्या थी, डायरेक्ट वो थी आपके पास डिक्शनरी थी, ठीक है। तो सेव से क्या हुआ, लोड से क्या होगा, फाइल से सारा डाटा उठाया डिक्शनरी में ले आए, और जो डंप से क्या होगा, डंप में क्या होगा, सारा डाटा डिक्शनरी से उठाया और फाइल में राइट कर, तो उसमें वो जो एक हेडेक थी ना कि इस रिकॉर्ड को पहले उठाना कॉपी, हम तो इसी काम में लगे रहते रिकॉर्ड कॉपी करने, उससे बचने के लिए क्या है, सारे को पहले किस में रख लिया, डिक्शनरी में रख लिया, और देन फिर उसको यूज करते रहे। जैसे ही सेव करेंगे, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन होगी, लुकअप है, ऐड है, चेंज है, डिलीट है, क्विट है। अब जरा मेन को देखते हैं कि उसमें वो चीज़ें कैसे यूज हुई थी। अभी आपने सारे डिटेल्स देख ली कि इसके अंदर कौन कौन से में क्या क्या काम हो रहा है, अब मेन को देखते हैं दोबारा, ताकि आपको सारी सारों का लिंक समझ में आ जाए, ये कैसे, पहले लिंक बताता तो पता नहीं चलना था इसलिए कि वो आपको डेफिनेशन देन में नहीं होनी थी, अब डेफिनेशन आप लोग देख चुके, अब मेन देखते हैं, ये आपका मेन है, ये मेन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या किया, लोड कॉन्टेक्ट, लोड कॉन्टेक्ट में क्या हुआ था कि आपने फाइल से रीड करके और डिक्शनरी में लिया और डिक्शनरी को रिटर्न कर दिया, तो ये माई कॉन्टेक्ट के अंदर वो आ गया।
तो अब इसका मतलब ये है कि सारा कुछ फाइल से लोड करके माई कॉन्टेक्ट में आ चुका है, ठीक है। अब माई कॉन्टेक्ट क्या है, एक डिक्शनरी है। उसके बाद क्या किया कि वाइल का लूप चला रहा है, वो चॉइसेस वगैरह वाला, चॉइसेस में ये गेट मेन्यू करेंगे तो मेन्यू आ जाएगा, यूजर से चॉइस पूछेगा, चॉइस यहाँ पे आ गई, चॉइस को मैच करेगा किसके साथ। अगर तो कहा डिस्प्ले करे तो लुकअप और उसके माई कॉन्टेक्ट क्या कर दिया, यानी डिक्शनरी दे दी, तो फंक्शन ने वो सारी वैल्यू डिस्प्ले करवा, ठीक है। इसी तरीके से जब ऐड करेंगे तो डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट दे दिया, तो जो यूजर से वैल्यू लेगा वो ऐड कर देगा डिक्शनरी। इसी तरीके से जो चेंज है, चेंज के अंदर भी वही हर जगह देखें क्या पास कर रहे हैं, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और वो उसके अंदर चेंज करता है। आखिरी चीज है सेव कॉन्टेक्ट। सेव कॉन्टेक्ट का आपने फंक्शन देखा, उसको भी डिक्शनरी पास की, तो जो कुछ भी डिक्शनरी में अपडेट हुआ था उसको हम राइट बैक कर देते हैं फाइल पर। समझ आ गई भाई? तो इसमें क्या डिफरेंट है कि वहां पे क्या करते थे, अगर जैसे वहां पे हम सिंक्रोनाइज नहीं करते तो सारा कुछ फाइल से बार बार रीड राइट करना पड़ता था, और अगर एक रिकॉर्ड भी डिलीट करना तो पूरे रिकॉर्ड को उठा के टेम्परेरी फाइल में रखना और ये सारा काम करना पड़ता। यहाँ पे हमने इसका क्या सोल्यूशन ढूंढा, एक डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पूरी फाइल को रीड कर लिया और फिर देन इसके ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आगे है कि जब आप क्लास डिजाइन करते हैं, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं? जी सर। तो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूएमएल लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज पढ़ी है ना, यूएमएल पढ़ी है आपने? क्यों बोले? UML डायग्राम पढ़ी है? चले अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ओवरव्यू है, चले आप लोग देख लें। इसमें थोड़ा सा एग्जांपल, ये तो एक अच्छी चीज है कि आप जितने भी एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की देखें उतने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिफाइन होते हैं। बार दफा कुछ चीजें एक एंगल से समझ नहीं आती तो दूसरे एंगल से वो चीजें ज्यादा अच्छी समझ आने शुरू होती। अब यहाँ पे जी हमारे पास UML डायग्राम के अंदर क्या तीन चीजें होती हैं, एक क्लास का नेम होता है। अगर किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर UML डायग्राम बनाया जाए तो इसमें क्लास का नाम होता है, फिर डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्लास का नाम है, ये आपके पास जो है ये साइट अप जो है ये उसका हो गया एट्रीब्यूट, और ये तीन जो है इसके मेथड हो, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। अब जैसे अभी हमने सेल फोन की क्लास पढ़ी है, उसके अंदर क्या है, सेल फोन क्लास का नेम है, तीन उसके एट्रीब्यूट्स है, मैन्युफैक्चरर, मॉडल और डिटेल प्राइस। यही भी मेंशन करते हैं कि अगर वो पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, यही भी मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसके इनिशियलाइजर का था, इनिट, सेटर थे और गेटर थे, ये सारी चीजें यहाँ यहाँ पे दो चीजें पास है, ये क्या है। उसके बाद है अगली चीज, ये तो हो गया रिप्रेजेंट करना, लेकिन अगली चीज ये है कि आप प्रॉब्लम में से क्लास कैसे फाइंड करते हैं। मतलब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है, मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये था जी, व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट और वन ऑफ योर फर्स्ट टास्क आइडेंटिफाई क्लासेस from problem statement। अब इसमें क्या करते हैं, पहले हमें जो है प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, फिर उसमें से हम क्या करते हैं, नाउन फाइंड करते हैं, प्रोनाउन फाउंड करते हैं, ठीक है, और उसमें से पोटेंशियल क्लासेस निकालते हैं, रिफाइन करते हैं टू बी ऑन दी क्लासेस दैट आर रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। ऐसे ही करते हैं ना, नाउन, आप हमने ये काम किया होगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप नाउन्स निकालते हैं, प्रोनाउन्स निकालते हैं, नाउन फ्रेज़ निकालते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, फिर वहाँ से क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्लास हमारे रेलेवेंट है, ये क्लास हमारे रेलेवेंट नहीं है।
अच्छा मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल है, द प्रॉब्लम व्हेन वी सेट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स parties and major events related to the problem. If you adequately understand the nature of problem you are trying to solve, you can write description of problem domain yourself. If you don't know thoroughly understand the nature of the problem, you could have an expert write description for you. अगर तो आप expert हैं तो आप खुद से जो है वो problem formulation करते हैं, otherwise जो है आप जो है जो expert होता है जो problem को describe कर सकता है उसको. एग्जाम्पल है ये, सपोज वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम दैट द मैनेजर ऑफ ऑटोमोटिव शॉप, जो ऑटोमोटिव शॉप एक शॉप है, विल यूज द प्रिंट सर्विस कोड्स फॉर कस्टमर्स एरियल डिस्क्रिप्शन दैट एन एक्सपर्ट परहैप्स जो हिमसेल्फ माइट हैव रिटन. जो जो उसको खुद ही पता था मैंने क्या बनवाना है तो उसने खुद ही लिखी है. Joe's automotive shop foreign cars and specializer in servicing car made by Mercedes, Porsche and BMW. When a customer bring a car to the shop, the manager gets the customer name, address and telephone number. The manager then determine the make, model and year of the car and give the customer a service code. Service code shows the estimated parts changes, estimated labor charges, part charges, estimated labor charges and sale tax and total estimated charges. यानी इसको एक कार्ड बना के दे देता है, ठीक है, उसके ऊपर उसको दे देगा इसमें इतनी लेबर लगेगी, इतने पार्ट चेंज होंगे, इतने सर्विस के चार्जेस होंगे, इतने टैक्स होगा. The problem dividend should be made of the following: physical objects such as vehicle, machine our products, any role played by person such as manager, employee, customer, teacher, student. ठीक है, result of the business event such as customer order या service code, record keeping items such as customer histories and payroll record. ये चीजें जो हैं ये चीजें include करती हैं डोमेन डिस्क्रिप्शन. अब यहाँ से ये प्रॉब्लम हमें दी थी, इसमें से हम क्या स्टेप्स करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल द नाउन्स, क्या करेंगे, नाउन्स करेंगे एंड नाउन फ्रेजेस. इफ द डिस्क्रिप्शन कंटेन प्रोनाउन इंक्लूड देम टू, अगर प्रोनाउन है तो वो भी शामिल करेंगे. प्रीवियस प्रॉब्लम डोमेन डिस्क्रिप्शन, दिस टाइम द नाउन्स आर नाउन फ्रेजेस अपीयर इन द बोल्ड. अब देखिए इसने क्या किया, नाउन्स और प्रोनाउन को बोल्ड कर दिया. ये ऑटोमोटिव शॉप थी ना, फिर फॉरेन, फिर इसके अंदर कार्स थी, ये नाउन है ना, BMW आ गए, ये पोर्शे आ गए, मर्सिडीज आ गए, मैनेजर आ गया, शॉप आ गया, कार आ गई है, ये चीजें जो है कस्टमर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मेक, मॉडल, ईयर, कार, ये वाली सारी चीजें जो है ये हमारे पास क्या है, सारे नाउन फ्रेजेस या नाउन, लेबर चार्जेस, टोटल एस्टिमेटेड सेल टैक्स, ठीक है, नाउन्स निकाल लिए उसे. नोटिस दैट सम ऑफ द नाउन आर रिपीटेड, फॉलोइंग लिस्ट विल बी. अब उन्होंने नाउन में से जो है ना ये लिस्ट बना ली, क्या है, एड्रेस है, BMW है, कार है, कस्टमर है, लेबर चार्जेस है, पार्ट चार्जेस है, फॉरेन कार है, ऑटोमोटिव शॉप है, मेक है, इनमें से फिर क्या करेगा, इररेलेवेंट्स निकाल लेगा, पोर्शे है, सेंटर, ये सारे आगे रिफाइन द लिस्ट ऑफ नाउन. सम नाउन विल मीन सेम थिंग, मसलन कार है या फॉरेन, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है. दीज आर रेफर टू जनरल कॉन्सेप्ट, इसको कार का नाम दे दिया. अब ऑटोमोटिव शॉप है, जो का ऑटोमोटिव शॉप, ये खाली शॉप है, बोथ ऑफ दी रेफर टू द कंपनी जो ऑटोमोटिव शॉप, कंपनी का नाम हो गया, ठीक है जी. फिर इसके बाद वी कैन सेटल ऑन ए सिंगल क्लास फॉर ईच ऑफ दीज, वी विल आर्बिट्री एलिमिनेट फॉरन कार फॉर द लिस्ट. ये चीज हो गई. अब यहाँ भी देखते हैं, एड्रेस है, BMW कार, ये कार खत्म कर दी, फॉरन कार खत्म कर दी, ये चीजें खत्म कर दी, ठीक है जी, ये चीजें.
इसके बाद ये आगे, उसके बाद सम नाउन माइट रिपीट आइटम दैट डोंट नीड टू बी कंसर्न विद द ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे शॉप मैनेजर है, इनकी जरूरत नहीं थी, उनको एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अब इसमें से मैनेजर भी डिलीट कर दिया, शॉप भी डिलीट कर दिया, ठीक है, पहले बाकी चीजें कुछ, ये हमें मैनेजर वगैरह तो नहीं चाहिए ना, हमें तो शॉप पे चाहिए, तो कोई भी जो भी है वो ओनर भी इसको डिलीट कर सकता, तो मैनेजर वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वी हैव एलिमिनेट, अब कार की जो डिस्क्रिप्शन है, मर्सिडीज है, पोर्शे है, बीएमडब्ल्यू, इनको भी रिमूव कर दिया। वो क्यों, वी कैन एलिमिनेट मर्सिडीज बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल दे आर ऑल रिप्रेजेंट कार, इसमें सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो मॉडल जब आएगा तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरर मेकर आएगा, तो वो ये भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास से ये निकल गए, बीएमडब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज नाउन वेरिएबल है जिनको एक सिंपल वेरिएबल साइन किया जाता है, उसके लिए क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास एस्टिमेटेड लेबर चार्ज एक वेरिएबल है, एड्रेस है, एड्रेस है, वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाता है, क्लास की जरूरत नहीं है। एस्टिमेटेड लेबर चार्ज है, वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाता है। एस्टिमेटेड पार्ट चार्ज है, मेक है, मॉडल नेम है, टेलीफोन नंबर है, नंबर है, टोटल एस्टिमेटेड चार्ज, ये सारे क्या है, वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए इनकी अलग से क्लास बनाने की जरूरत नहीं थी। ये भी हम क्या कर देंगे, इसमें से कट कर देंगे। अब रह पीछे क्या जाएगा, अब क्लास की, अब क्लास कौन कौन सी रह गई इसमें, आइडेंटिफाई क्लास रिस्पॉन्सिबल, थिंग्स दैट द क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नोइंग एक्शन दैट द क्लास इज रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें थिंग्स और एक्शंस दो चीजें आ गई, एट्रीब्यूट्स और methods. अब we when we identify the thing that class is responsible for, then we have identify the class data attribute. So things जो class responsible है वो क्या हो जाएंगे, class के data attribute, ठीक है। और actions क्या हो जाएंगे, methods हो जाएंगे। It is after अच्छा context of the problem. अब यहाँ पे फर्ज क्या है, हमारे पास एक class थी customer. अब कस्टमर का क्या नहीं, कस्टमर का नेम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका टेलीफोन नंबर, ठीक है। और फिर इसके मेथड्स क्या हो गए, यहाँ से हमने फाइंड की, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टमर क्लास, कस्टमर का नेम है, एड्रेस है, और टेलीफोन को इनिशियलाइज करने के लिए चाहिए, ठीक है। इनिट के अंदर तो इसका मतलब इनिट का एक मेथड होगा जो इनिशियलाइज करेगा, तो ये चीजें जो है हमारे पास इस तरीके से, ये हमने आइडेंटिफाई की, ये कस्टमर हो गए, ठीक है। उसके बाद कार की क्लास हो गई, कार में क्या है, कार की मेकिंग है, मॉडल है, और ये है, ठीक है। और इसके फिर उससे रेलेवेंट जो है सेटर और गेटर आ गए। इसके बाद सर्विस कोड क्लास है, सर्विस कोड क्लास में क्या है, पार्ट्स के चार्जेस हैं और लेबल के चार्जेस हैं, ये सर्विस कोड क्लास हो गया। इसके अंदर वो बना के पकड़ाता है ना जी, आप कितने पैसे लगेंगे, इसमें टोटल आप इसी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गेटर सेटर आ गए, टोटल चार्जेस आप कैलकुलेट करते हैं, ये गेट टोटल किसकी मदद से, पार्ट्स प्लस लेबर प्लस सर्विस जो कुछ भी है हमारे पास, ठीक है। ये सर्विस कोड बन गया, इसके अंदर इनट पार्ट चार्जेस, जिस यहाँ पे ये गेट से लेबर चार्जेस, पार्ट चार्जेस और टोटल का जो है हमारे पास, ये इस तरीके से टोटल कैलकुलेट हो रहा है, कैसे, पार्ट चार्जेस प्लस लेबर चार्जेस प्लस डिवाइड, इसको ये कंटिन्यूटी के लिए, ये आप लोगों को मैंने बताया था, ये स्लैश स्पेस जो है, और पार्ट इंटू टैक्स, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्ट चार्जेस मल्टीप्लाई भी टैक्स, ठीक हो गया जी। लेबर पे टैक्स नहीं पड़ेगा, सिर्फ पार्ट्स के ऊपर जो उसके साथ सेल टैक्स होता है वो साथ में
लगा देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से आप क्लासेस प्रॉब्लम में से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आप इसको रिहर्स कीजिएगा, इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसके में से प्रॉब्लम में से क्लासेस निकालना। लोगों की इंटरेस्ट जो है कुछ कम होती जा रही है, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? इसको मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप इसको गैर जरूरी समझते जा रहे हैं कि ये ऐसे ही, क्योंकि इसका पेपर नहीं होना इसलिए इसको करके क्या जाए, ऐसे है ना। अच्छा, मीन वाइल अगर दरमियान में आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो ना आपके वो सब्जेक्ट से जिसका आपको पेपर होना है तो वो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करना। ठीक है जी, कोई भी टॉपिक जो आईटी सीरीज की बुक पे से हमने किया था वहाँ पे अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप समझ सकते हैं।